नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। सरहदें कभी रिश्तों पर भारी पड़ जाती हैं और कभी रिश्तेदारियां निभाने के चक्कर में इंसान ऐसा फंस जाता है कि अपने घर लौटना संभव नहीं हो पाता है। ऐसा ही कुछ हुआ रामपुर में, जहां एक व्यक्ति पाकिस्तानी युवती को 2007 में शादी कर पत्नी बनाकर अपने घर रामपुर ले आया। पत्नी को लॉन्ग टर्म वीजा मिल गया और तब से ही वो उसके साथ भारत में रह रही थी। इस बीच उनके 3 बच्चे भी हुए, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन पाकिस्तानी विवाहित महिला के भाई की शादी में शरीक होने पति पत्नी और बच्चे पाकिस्तान चले गए। इसके बाद से पूरा परिवार पाकिस्तान में ही फंस गया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पिछले 2 साल से वो भारत आने के लिए इस हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। और रामपुर में युवक की माँ बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवार मोदी से मदद की गुहार लगा रहा है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। रामपुर निवासी माजिद हुसैन की शादी पाकिस्तान निवासी ताहिर जबीन से हुई थी, जिसके बाद ताहिर जबीन 2007 में लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आई थी। शादी के बाद माजिद हुसैन के 3 बच्चे हुए और अब वर्ष 2022 में ताहिर जबीन अपने भाई की शादी में अपने पति और 3 बच्चों के साथ नूरी वीजा पर मायके पाकिस्तान गई, लेकिन किसी कारण से वीजा के 2 दिन निकल गए, जिससे उनका वीजा खराब हो गया और अब वो 2 साल से वहीं पाकिस्तान में फंसे हुए हैं और दोबारा वीजा नहीं मिल पा रहा है। वहीं यहाँ रामपुर में उनकी माँ और बहनों सहित पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस विषय पर युवक की मां फमीदा, भाई माहिर हुसैन और रिश्तेदार शाकिर अली ने क्या कुछ बताया है, आप भी सुनिए। अम्मा क्या नाम है आपका? फमीदा। क्या कहानी है? शादी करी थी, मेरी नन की लड़की है जिससे मैंने शादी पाकिस्तान में। 2 बेटे हैं मेरे, एक माहिर हुसैन एक माजिद हुसैन। माजिद हुसैन की शादी पाकिस्तान से करी, मेरी नन की बेटी है वो। मेरी नन की ख्वाहिश थी कि मैं अपने भाई के घर दूँ अपनी बेटी, तो मैंने उनकी खुशी पूरी करी थी, शादी करके लाई। एक बेटे की शादी मेरी यही रामपुर में। अब उसके भाई की शादी थी, मायके की बेटी है, होता है आना जाना लगा रहता है। भाई की शादी में गई थी, 30 दिन की वीजा लेके गई थी, नूरी वीजा पे गए हैं। वहाँ पता नहीं क्या हुआ उनकी, किस बात से 2 दिन वीजा के निकल गए, 2 रोज उससे वो वहाँ इटक गई। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, गिर नून में पढ़ते हुए गए हैं, 8वीं क्लास में गए हैं। इतनी इतनी महंगी फीस जमा करिए बच्चे न बच्चों के लिए, पता नहीं क्या हुआ। जब से आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर उनकी वीजा नहीं लग रही है, वहाँ से उनको इजाजत नहीं मिल रही है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे मेरे घर आए। मेरा बच्चा वहाँ बहुत परेशान है माजिद आने के लिए, कि मैं किसी सूरत से चला जाऊँ, मगर उनकी वीजा नहीं लग रही है, उनको आने की इजाजत नहीं मिल रही है। मेरी बहू को नहीं मिल रही है, वो आएगी तो वो भी आएंगे। मेरा बच्चा अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने घर आया, अपनी माँ कहने, मैं माँ बुढ़िया हूँ, हार्ट की मरीज हूँ, मेरे 3 दिन स्टैंड पड़ी, मुझसे दो कदम रास्ता नहीं चला, मुझसे बोला नहीं जाता। 5 बेटियाँ हैं मेरी, एक बेटी बम्बई में है, 4 यही है, 5 बेटियाँ। आदमी मेरा कपड़ा मर गया, मैं बेवा हो गया, तो बच्चे नहीं हूँ, बच्चे सारी कहानी मेरी। अम्मा सरकार से आपने गुहार लगाई? जी लगाई थी, वहां से भेजे हैं कागज भेजे जी, जो जो उन्होंने कहा भेजो वो भेजे अलाई वाले से। मेरा बेटा गया माहिर, वो बताएगा ये सब जो जो उसने भेजा है। शादी कब करी थी बेटे की आपने? 2007 में। पोता पोती कितने हैं आपके? 3 हैं, 2 पोते 1 पोती। अभी साले की शादी में पाकिस्तान गए थे, तो ये कब गए थे? 2022 में, 2 साल जी, अक्टूबर के महीने में गए, 4 अक्टूबर को घर से गए। मुझे वो दिन तारीख याद जिस दिन घर से निकले। अब जब आपके बेटे से बात तो होती होगी आपकी? जी फोन आता है, बात होती है, बहुत परेशान होता है, कहता है मुझे मैं यहाँ फंस गया, मुझे बुला लो, मैं फंस गया, अपनी जान खोने तक को तैयार कर दिया, मैं अपना कुछ कर लूंगा, मैं यहाँ फंस के रह गया। बहुत परेशान है वहाँ पे। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे बहू पोती पोता मेरा बेटा मेरे घर मेरे पास आए, अपने घर आए, अपने वतन आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माहिर हुसैन है, मेरे भाई का नाम माजिद हुसैन है। उन्होंने पाकिस्तानी लड़की से शादी की थी, हमारी फप्पो हैं पाकिस्तान में रहती हैं, उनकी लड़की उससे शादी की थी। शादी करने के बाद वो यहाँ पर आ गए थे, लॉन्ग टर्म वीजा से आ गई थी भाभी हमारी, तो हमारे भाई लेकर आ गए थे, साथ में रहते रहे। यहाँ पे बच्चे हुए, 2 लड़के हुए, 1 लड़की हुई यहाँ पर।
अब तो ये है ना कि उनकी उनकी माँ भी, हमारी भाभी की माँ भी पाकिस्तान में रहती है, परिवार उनका वहाँ पे है, तो इसकी वजह से उनका आना जाना लगा रहता है। एक दो टाइम गई हैं, 2007 में शादी हुई थी, एक दो टाइम गई, यहाँ आ गई। तो अब जब 2022 में अब गई, भाई की शादी में गई थी नूरी वीज़ा पे 3 महीने की, उसके बाद वो नहीं आ पाई। एक दो दिन उनकी पता नहीं किस वजह से निकल गए थे, उसके बाद उनकी वीज़ा ख़राब हो गई। उसके बाद ये हमारे भाई का फ़ोन आता है कि हमें बुला लो, हमें बुला लो, ऐसे ऐसे परेशानी में है। और जहाँ जहाँ उन्होंने हमें बोला, हम वहाँ वहाँ गए, और जो जो हमें पेपर बोले, हमने वो पेपर सब दिए। हमारी मोदी जी से ये गुहार है, हमारे लिए इतने हुआ, हमारे भाई को हमारी भाभी की वीज़ा लग जाए, जिसकी वजह से हमारे भाई भी आ जाए। हमारे भाई के तो आ सकते, बच्चे भी आ सकते, लेकिन वो अपनी बीबी बेगम को लेके आएंगे साथ में। यहाँ पे जो उनकी परेशानी होगी, यहाँ पे कौन देखेगा, वहाँ पर अकेली रहेगी तो बच्चों को यहाँ पे कौन पालेगा, इसकी वजह से परेशानी हो रही है। वो कह रहे हैं मैं आऊँगा तो सबके साथ में ही आऊँगा, वरना मैं अपनी जान दे दूँगा वहाँ पर। वो रोते हैं इस तरीके से, कह रहा है मैं फांसी लगा लूँगा, अपनी जान दे दूँगा। लेकिन यानी रसूल के वास्ते देते कि मुझे बुला लो कैसे भी करके। मैंने LIU भी गया, LIU वालों से भी मेरी बात हुई, सबसे उन्होंने जो जो मांगे मुझे डॉक्यूमेंट, वो मैंने उनको दिए डॉक्यूमेंट, सब डॉक्यूमेंट दिए उनको। और उन्होंने जिस जिस से भी बोले, जिस पार्टी के दिए, मैंने पार्टी के समझ बीजेपी की पार्टी के ये दे देना, तो मैंने सब दिए उनको, जो लेटर भी देने थे सब ला कर दिए उनको। उस वो बावजूद उसकी वजह से कुछ ना उन्होंने कहना नखलाओ भेजा है, कहीं बोलते यहाँ भेजा है, अभी नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से पूरा टाइम की चला। इसकी वजह से घर वाले सब परेशान हैं। शादी से कितने साल हो गए, शादी में गए हुए कितने साल से वहाँ पाकिस्तान में? 2 साल हो गए उनको, दो साल हो गए उनको गए हुए, फंसे हुए 2 साल। तो ना कोई काम कर रहा है, ना कोई धंधा कर रहा है, और बच्चे कैसे खा रहे हैं, कैसे नहीं पा रहे, ये हम ही जानते हैं, हमें पता है कैसे होता है कैसे नहीं होता। कभी उन्होंने खा लिया, कभी नहीं खाया। बात होती तो क्या कहते, रोते हैं, कहते मैं अपनी जान दे दूंगा, मुझे बुला लो किसी कैसे भी करके, मुझे बुला, मैं परेशान हो रही हूँ, मेरा ना दिल लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा है। तो आप सरकार से क्या गुहार करना? सरकार से ये गुहार करना, मोदी जी से ये कहना चाहते हैं हम कि हमारे लिए ये करें कि हमारे भाई को, हमारे भाभी को, हमारे बच्चों, समझे जो भी है हमारे को, हमारे भतीजी भतीजों सबको बुलवा दें यहाँ पे, इतना कर दें कि वो आसानी से आ सकें यहाँ पे, उनकी हमारी वीज़ा लग जाए, उनका वीज़ा। उनको वीज़ा लगने में क्या परेशानी है? पता नहीं क्या, इस असेंबली जाओ, वो इंडिया असेंबली में गए तो वहाँ पे लेटर दिया, पाकिस्तानी इस्लामाबाद असेंबली में लेटर भेजा, वहाँ पे ही भेजा, जहाँ जहाँ बोलना भेजा, लेकिन सरकार जो है वीज़ा नहीं लग पा रही है। ये दो देशों को पता नहीं क्या चला, इसकी वजह से वीज़ा नहीं लग पा रहा है उनका, क्या है क्या नहीं। मोदी जी से क्या? मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए इतना करें, हमारे हमारे भाभी की वीज़ा लगवा दें, जो हमारे भाई यहाँ पर बच्चों के साथ आ जाए, बहुत परेशान। क्या नाम है? मेरा नाम शाकिर अली है। क्या मामला है, क्या पूरा किस्सा क्या? ये हमारी भाभी हैं, उनके भाई की क्या नाम बताए, शादी थी 2022 अक्टूबर के महीने में, वहाँ शादी में गए थे हमारे भाई, दो हमारे भतीजे और एक भतीजी, शादी में गए थे नूरी वीज़ा पे, और 2 साल हो गए, 2 दिन उनकी वीज़ा के निकल गए थे, 2 साल हो गए वहाँ फंस गए। हमारे भाई की भी वीज़ा लग रही है, भतीजों की, भतीजी की भी, और हमारी भाभी की नहीं लग पा रही है। LIU से भी सारे पेपर भेज दिए, सब कुछ भेज दिए, और उनकी वीज़ा लग नहीं पा रही है। हमारी मुमानी इस बीच में हार्ट पेशेंट्स हैं, 3 छल्ले पड़े ही, तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हमारी मुमानी की। 3 बेटे थे, एक हमारे मामूजाद भाई का इंतकाल हो गया, एक भाई हमारे रामपुर में, एक भाई हमारे पाकिस्तान में फंस गए। बहुत बड़ी परेशानी है, सब बहने दिन रात रो रो के परेशान हो रही हैं सर। 2 साल हो गए फंसे हुए। बहुत जी सारे भाग दौड़ करे, सारे पेपर LIU से और जिस जिस अधिकारियों से मिलने का था वो भी मिले, वीज़ा नहीं मिल पा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। वीज़ा में क्या दिक्कत आ रही है? वो कहते हैं कि वहाँ से मिलेगी, वहाँ से मिलेगी, दो देशों के बीच में फंसी हुई है हमारी पूरी फैमिली हमारी फंसी हुई है, और 2 साल हो गए। हमारी मुमानी की इतनी बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। अभी दिल्ली में ऑपरेशन भी हुआ है हार्ट का, दिल पे बहुत रख रही है, दिन रात रो रही है, पूरा परिवार परेशान है। सरकार से क्या गुहार? मोदी जी से, सरकार से मोदी जी से ये गुहार है कि हमारा पूरा परिवार सुरक्षित हमारे देश में आना चाहिए।
रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। जाहिर है रामपुर का परिवार पाकिस्तान में फंस गया है, वो भारत वापस आने की हर तरह से कोशिश कर रहा है मगर उसे कोई सफलता हाथ नहीं लग रही है। रामपुर में मौजूद परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है, ऐसे में उनकी ये गुहार कब सरकार तक पहुंचती है और सरकार क्या मदद करती है, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।